हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेकर आया हूँ जिसका साइज है 25x45। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, फ्रंट में आपको दो दुकान दिखेंगे, अंदर आपको 4 BHK हाउस प्लान कम्प्लीट दिखेगा। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है 25x45 में। फ्रंट इसका 25 फिट दिया, लंबाई इसकी 45 फिट दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन जाल भी दिया हुआ है। कंप्लीट एटी आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। ग्राउंड फ्लोर आपका पूरा कंप्लीट बना हुआ है। देख सकते हैं फ्रंट में दो दुकान, अंदर आपको 4 BHK हाउस प्लान कंप्लीट मिलेगा। अगर आपका किसी अदर साइज़ का प्लॉट है तो हमारे चैनल पे आके यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप काफ़ी प्लान मिल जाएंगे अदर अदर साइज़ के, देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो बढ़ते अपने प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको दो दुकान दिखती है, उसके बाद आपको राइट साइड में एंट्री गेट दिख जाता है। ये गेट आपका 5 फिट का लगा हुआ। गेट से पहले आपको कुछ इस तरीके से रैंप दिया बाइक पार्किंग के लिए। यहाँ पे आपको दुकान के लिए सीढ़ियाँ उपलब्ध कराई हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। एंट्री गेट आपका 5 फिट का लगा हुआ। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके दिख जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जीने के नीचे बाइक पार्किंग मिल जाती है, देख सकते हैं। जीने के नीचे आपको बाइक पार्किंग मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जीना दिख जाता है। ये जीना आपका 3 फिट का दिया हुआ है। कंप्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है। ये आपका पैर रखने वाला 9 इंच का, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। ये स्टेशन आपका 3x6 का बना हुआ है, जिसकी हाइट मैंने 7.5 फिट रखी हुई है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके लेफ्ट साइड में आपको दो दुकान दिख जाती है। दोनों दुकान का साइज मैंने सेम दिया हुआ है। दुकान का साइज मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, 8.5x10। 8.5x10 इसका साइज दिया दुकान का, देख सकते हैं 8.5x10। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके से बैठक मिल जाएगी, देख सकते हैं। बैठक से हॉल में आने जाने के लिए कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया है, देख सकते हैं। इस गेट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आप हॉल में आ जाएंगे। इस बैठक का मैंने साइज रखा हुआ है 12x12। ये 12x12 की आपकी कंप्लीट बैठक बनी हुई है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको रूम दिख जाता है, जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 12x12। ये 12x12 का आपका रूम बना हुआ है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कमांड दिख जाती है, जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 9.5x4। 9.5x4 इसका साइज दिया हुआ है। अगर लैट्रिन बाथरूम आप अलग अलग करना चाहते हैं अलग अलग भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। इसके सामने यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट दिखता है और वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको किचन दिख जाती है, जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 9.5x6। 9.5x6 इसका साइज दिया हुआ है किचन का, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बड़ा सा हॉल मिल जाता है। हॉल के वेंटिलेशन के ऊपर जाल दिया गया है, मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा वहाँ पे किस तरीके से दिया हुआ है। पूरे हॉल का वेंटिलेशन अच्छा खासा होता रहेगा। इस हॉल का मैंने साइज रखा हुआ है 9.5x13। 9.5x13 इसका साइज दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको एक रूम दिख जाता है, जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 12x12। ये 12x12 का आपका कंप्लीट रूम बना हुआ है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको सेम साइज का रूम दिख जाता है 12x12 का, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बड़े बड़े रूम मिलते हैं सारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में आपको फ्रंट पर सबसे पहले दो दुकान दिखती है, उसके बाद जीना दिख जाता है। जीने के नीचे आपको बाइक पार्किंग मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते बड़ी सी आपको बैठक मिल जाती है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको रूम मिल जाता है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 BHK हाउस प्लान कम्प्लीट बना हुआ है। बड़ा सा आपको हॉल मिलता है, यहाँ पे आपकी डाइनिंग टेबल भी पड़ जाएगी। अब बात करते हैं फ्रंट के एलिवेशन की, वटिया की। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिवेशन आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। कंप्लीट अटी आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, देख सकते हैं। लो बजट का प्लान है, देख सकते हैं। गांव के हिसाब से भी पूरा प्लान तैयार किया है, कम खर्चे का, देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉल के वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से बड़ा सा जाल दिया हुआ है, फुल वेंटिलेशन होता रहेगा हॉल का। 25x45 में बहुत ही बेस्ट प्लान है, देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं छज्जा आपका 3 फिट का निकला हुआ है कुछ इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आज का प्लान पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने धन्यवाद।